गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर नीलम मैम। बच्चों, आप सबको कहानी सुनना कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, बहुत मज़ेदार। कहानियाँ होती भी तो इतनी अच्छी हैं। पता है, कहानियाँ ना सिर्फ हमारा मनोरंजन करती हैं बल्कि कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो हम सभी को कहानियाँ सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए और सुनानी भी चाहिए, क्योंकि कहानियों से हमारा जो ब्रेन है वो बहुत डेवलप हो जाता है। तो आज हम सुनेंगे एक बहुत ही मज़ेदार कहानी, बुद्धिमान बकरी। ये कहानी ना सिर्फ मज़ेदार है बल्कि हमें एक बहुत अच्छा पाठ भी पढ़ाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बच्चों, एक बार एक बकरी थी, बड़ी छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी सी। और उसे एक दिन मिल गया रास्ते में एक बाघ। वो बाघ बकरी को खा जाना चाहता था। उस बाघ ने बकरी को पकड़ लिया। अब बकरी बेचारी बहुत घबरा गई और वो अपनी जान बचाने का कोई उपाय सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कैसे इस बाघ से अपनी जान बचाऊं। उस बकरी ने बाघ से कहा, बाघ भाई, बाघ भाई, मैं तो बहुत पतली दुबली हूँ। अगर आप मुझे जाने देंगे ना, तो मैं आपको भोजन के लिए एक मोटी सी गाय का प्रबंध कर दूंगी। अब बाघ बहुत खुश हो गया और वो बकरी की बात मान गया। अब बकरी ने बाघ से कहा कि आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको गाय तक ले चलती हूँ। और बाघ बकरी के पीछे पीछे चल पड़ा। तभी अचानक से बकरी एक जगह पर रुक गई और वो चिल्लाई, मालिक मालिक, मैं आपके लिए वो वाला बाघ लाई हूँ जिसे आप मार डालना चाहते थे। ये सुनकर के बाघ कुछ डर गया और फिर बकरी ने फिर से आवाज़ लगाई, मालिक, ओ मालिक, मैं उस बाघ को ले आई हूँ, आप जल्दी से बाहर आइए। तभी बकरी का जो मालिक था, जो कि एक किसान था, वो अपने घर से बाहर निकल आया। उसके हाथ में एक बंदूक थी और वो उस बाघ को मार डालना चाहता था, क्योंकि वो बाघ अक्सर आकर के उसकी फसलों को ख़राब कर देता था, उसके बाड़े के जानवरों को मार डालता था। ये देख करके जब उसने देखा बाघ ने कि अरे, किसान के हाथ में तो बंदूक है, वो बहुत बुरी तरह से डर गया। अब तो बाघ के पास अपनी जान बचाने के अलावा और कोई तरीका ही नहीं था और वो अपने सिर पर पैर रखकर वहाँ से भाग गया और बहुत दूर कहीं जंगल में चला गया। उसके बाद कभी भी उसने उस छोटी बकरी को परेशान नहीं करा। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह से बकरी ने अपनी होशियारी से अपनी जान को बचाया था। तो हमें भी हमेशा ऐसे ही करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, बताइए इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि जब भी हम किसी संकट में हों, किसी मुसीबत में हों, तो उस समय हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना चाहिए कि किस तरह से हम इस परेशानी से बच सकते हैं। के बच्चों, बाय।